यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बेसिकली पूरे फिजिक्स का जो हम कह सकते हैं बैकबोन होता है, जो उसका बेसिक्स होता है, वो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उस चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस, कंप्लीट वेक्टर या सिंपल एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स। चलिए हम उसे शुरू करते हैं। वेक्टर होता क्या है, पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। उस डिस्क्रिप्शन को देखने के पहले ये हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये आइडिया है कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फिजिकल फिनोमिना ऑफ द नेचर। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है, फिजिक्स में वह क्वांटिटीज है जो फिजिकल फिनोमिना, जो घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा घटती है, उसको एक्सप्लेन करने में जिस टर्म की मदद की जाती है या जिस टर्म की मदद ली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ब्रॉडली क्लासिफाइड फिजिकल क्वांटिटीज आर लाइक दैट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलर, सो मेनी टर्म्स आर देयर दैट यू विल कम टू नो स्टेज बाई स्टेज। अब देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज हुज ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसर्न, उसका केवल मान से मतलब है या उसकी केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, एंड दीज क्वांटिटीज हैव नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। But there are another group of physical quantities which have both, that is its magnitude, uski value kya hoti hai, as well as its direction. And this type of a quantity whose have got magnitude and direction and set follow or set depend on certain rules is called vector quantities. Hum log chaliye isko badhiya se explain karte hain. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं स्केलर किसे कहते हैं। स्केलर, ये बात को ध्यान से देखिए, स्केलर क्वांटिटी, आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only, magnitude का मतलब value only and no direction, for example distance, speed, work, energy और बहुत सारे अदर क्वांटिटीज भी जो मैं उसे डिस्कस कर। दूसरे पास आपके पास एक टर्म आते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसे भी हम देखते हैं। दूसरा टर्म आएगा वेक्टर क्वांटिटी, यहीं से चैप्टर शुरू की। आगे हम लोग आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, एंड फॉलोस नियम को मानता है, ट्राइंगल और
पैरेलीलोग्राम रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो ट्रायंगल रूल को मानता हो या पैरेललोग्राम रूल्स को मानता हो, या दो वर्ड्स मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उस क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं पैटर्न क्वांटिटी। डिटेल हम लोग इसका काफी कुछ पढ़ेंगे, आप देखते जाइएगा। इसकी एग्जांपल्स में क्या हो सकते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो और रूल्स को फॉलो करता हो, या तो ट्राइंगल या तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इंपल्स, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, मैं भी एक्सेट्रा देके छोड़ देता हूं। नोटेशन, इसके नोटेशंस कैसे होते हैं, दैट इज इसकी पहचान क्या है। जैसे अगर आप लिखते हैं फोर्स और अगर आपकी सिंबल है F, तो आप उसके ऊपर क्या कीजिएगा, पुट एन एरो। अगर इसके ऊपर आप एरो लिख देते हैं या आप फोर्स के ऊपर एक सिर्फ लाइन भी दे देते हैं, दैट इज ए वेक्टर, या आप इस फोर्स को डीप में लिखते हैं, थोड़ा सा डार्क करके लिखते हैं, तो दिस इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग अपने कॉपी पर ज़्यादातर एरो का प्रयोग करें या लाइन का दे दें, डार्क वाले को हम लोग लेके नहीं चलते, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। किताब में आपको मिलेगा जहां भी डार्क दिखाई दे, दैट क्वांटिटी इज अज्यूम्ड टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ वेक्टर, यहां पर हमारे पास टाइप्स का मतलब हो गया कि दो महत्वपूर्ण टाइप्स में इसे लिया। एक लिए है पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, और दूसरा एक्सियल वेक्टर। बहुत आसान सा टर्म है, दोनों को हम लोग समझ लें। पोलर वेक्टर, सबसे पहले आइए पोलर वेक्टर, इसको फोकस करते हैं। पोलर वेक्टर, ए वेक्टर विच हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड is called polar vector. For example, displacement, of course it has a points of application. आप कहाँ से लेते हैं ये देना पड़ेगा। displacement vector को हम लोग d ले लें, vector कह दें, या simple d ले लें, vector कह दें। For example, मान लीजिए आपने इसके displacement को measure किया, यहाँ से यहाँ तक का displacement है a to b, तो आपको ये देना पड़ेगा कि ए कहां से स्टार्ट है और बी कहां तक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पास कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग। इसमें कौन सा एग्जांपल दिए, एक डिस्प्लेसमेंट दी, कोई एक और दे दी, चलिए हम लोग लेके चलते हैं फोर्स। फोर्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ पोलर वेक्टर, क्योंकि इसके पास भी विच हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, विच हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी आप फोर्स को डिफाइन करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देना पड़ता है कि ये फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है। चलिए दूसरा वेक्टर से आते हैं। अब हमारे पास दूसरा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, उस पर बना लीजिए सेकेंड। दिस वेक्टर एक्सप्लेन्स रोटेशनल इफेक्ट ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल को ले लीजिए, कौन सी एग्जाम्पल ले,
एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन टॉर्क, जहां पर भी रोटेशन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आपको मैं समझाऊं, आप ध्यान से। मैं एक प्लेन लेता हूं, एक सपोज कीजिए कि बोर्ड है, और बोर्ड पर मैं क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, ये डायरेक्शन क्या हो गया आप भी समझ सकते हैं। मेरे हाथ से देखिएगा, ये क्लॉकवाइज कैसा समझिएगा। सपोज कीजिए बोर्ड है, टेबल ले लीजिए, टेबल के इसके टॉप पर आप एक लट्टू को नचा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि एक नाचता हुआ आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्शन क्या हो गया आप देख सकते हैं, क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज को रोटेट कीजिए, हाथ की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज पर आ जाइए। और व्हाट इज द थंब डायरेक्शन, ये थंब का जो डायरेक्शन हो गया दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, एक्सिस। और ये डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज में, ये डायरेक्शन हो गया एक्सिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसमें आपने क्या देखा कि क्लॉकवाइज, ये कौन सा मोशन हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में। वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्सिस अपवर्ड, अलोंग एक्सिस अपवर्ड, ऊपर की ओर। मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं है इसमें, कहीं भी कोई डाउट्स नहीं। मैं आपको छोटा सा एक और भी एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर छोटा सा एग्जांपल। कौन सी एग्जांपल मैं शो करूंगा, वही टेबल पर एंटी क्लॉकवाइज को शो करूंगा। ये देखिए वही टेबल को मैंने एक बार और ड्रॉ कर दिया, ये टॉप ऑफ द टावर, यहां पर भी मैंने दिया। इस बार आपका देखिए इस तरह से रोटेट कर रहा है, रोटेशन इस तरह से है, मतलब यहां से ऐसे है और ये ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इसको ऐसे रख जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब की साइड क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो दिस इज द वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर एक्सियल डायरेक्शन। अब सपोज कीजिए ये एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। कैसा एंगुलर वेलोसिटी, ये नाच रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज का वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। आप आराम से देख सकते, जैसे आपके फैन है आपके रूम में, जहां भी बैठे हो ये फैन ऐसे नाचता है, आप हाथ को ऐसे करके नचाइए और अंगूठे को थंब का डायरेक्शन दीजिए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसका एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा अपना आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन कहेंगे तो गोल गोल डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और सर्किल का डायरेक्शन तो हमेशा इवर चेंजिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका थंब आएगा ऐसे पकड़िएगा तो अप जाएगा, और ऐसे पकड़िएगा डाउन जाएगा, दैट इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। एक वर्ड आता है आपके मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसका मतलब हो जाता है जैसे इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मैं बताता हूं, ये देखिए आपके पास ए वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर। इसकी मॉडुलस कैसे हो जाएगा, मॉडुलस का इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर और दो लाइन खींच दीजिएगा। मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं एक फोर्स है एफ, दिस इज 100 न्यूटन ईस्ट, ठीक हो गया। डायरेक्शन फोर्स का किधर लग रहा है, ईस्ट के तरफ हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड मॉड और मॉड्यूलस और
मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, आप केवल 100 न्यूटन लिखेंगे ईस्ट और कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं देंगे, दैट इज फॉर मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर विच हैज यूनिट मॉडुलस विथ ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, विथ ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ए यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, दैट फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर लेता हूं देन इट्स यूनिट वेक्टर सिंबलाइज्ड बाय लेटर ए, उसके ऊपर ये कैप हो गया, दैट इज ए कैप, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, ये क्या हो गया वेक्टर, और नीचे क्या हो गया मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब उसकी वैल्यूज हो गए। देयरफॉर व्हाट इज अ वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर मल्टीप्लाइड और टाइम्स यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज द वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड टाइम्स द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। देयरफॉर वेक्टर इज मॉडुलस टाइम इट्स यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, ये इसका मतलब। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर यह कहूं कि यूनिट वेक्टर का कार्टेशियन सिस्टम में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहां पर एक बात देखिएगा, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, ये मतलब क्या कहता है, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर आ जाएगी, जहां पर एक्स वाई और जेड की बात होगी। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, this is called y axis, and let us suppose this is the coordinate axis, and this point is called origin 0 0. This x coordinate is always said to be the I cap, this is unit vector along x direction। yahan par j ko kya denge, y direction ko kya denge j aur cap, aur z direction ko kya denge k and cap, these are called cartesian coordinate I comma j and k are unit vectors along x, y and z direction। For example, मैं आपको देता हूं a velocity vector equal to 2i मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्पेसिफाइड अलोंग एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक हो गया, चल तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्पेसिफाइड अलोंग एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए,
इसका मैं थोड़ा और से बताता हूँ। नेक्स्ट बार आ जाइए, कभी आपको माइनस आई मिलेगा तो आप क्या ले लीजिएगा? दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर कभी आपको माइनस जे मिलेगा तो आप क्या लीजिएगा? माइनस जे कैप पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? कैप। ये वर्ड को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर along negative y direction and कभी आपको माइनस के मिलेगा तो आप क्या समझिएगा? यूनिट वेक्टर along negative z axis। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत काम में आता है, यहां पर आप बेहतर ढंग से समझिए। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है? जो ये क्या, कौन सा डायरेक्शन कहलाता है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा कहलाता है? वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस के बीच के जो प्लेन आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? जेड डायरेक्शन। यहां पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, एक्स डायरेक्शन को हमेशा हम लोग ईस्ट में स्पेसिफाई करते हैं, ध्यान रखिए। वाई डायरेक्शन को हमेशा नॉर्थ में करते हैं, और एक्स को कौन सा डायरेक्शन हो गया? एक इसको हम लोग आई कैप भी कहते हैं। नॉर्थ या वाई डायरेक्शन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जे कैप भी कहते हैं। और जेड जो डायरेक्शन देख रहे हैं, अप की ओर गया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? के यूनिट डायरेक्शन कहते हैं। तो आई जे के का तीन मतलब हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और अप हो गया। सिमिलरली अगर आप पीछे की ओर आ जाए, पीछे आ जाइए, ओरिजिन से लेफ्ट साइड आ जाइएगा, तो ये माइनस आई कहलाएगा, एक्स निगेटिव कहलाएगा, या इसे हम लोग वेस्ट कहेंगे। बेहतर ढंग से समझ गए? एक्स अगर पॉजिटिव है तो ईस्ट कहलाता है, उसे आई कहते हैं। एक्स निगेटिव है तो वेस्ट कहलाता है, एक्स निगेटिव कहलाता है। चलिए अगर इसके y को पीछे आ जाए तो क्या कहलाएगा? उधर नॉर्थ है तो ये क्या कहलाएगा? साउथ कहलाएगा। और इसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस जे। उसी तरह अप के बदला अगर कोई डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा? डाउन के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस के हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाउन डायरेक्शन। तो आपके पास स्पेसिफाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप इसे देखिए, मैंने एक फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के। इसका क्या मतलब हो गया बच्चे लोग? न्यूटन हमने दिया, एन स्टैंड फॉर न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट पर दो न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है? एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया? तीन फोर्स लग रहा है। एफ वन क्या हो गया? दो न्यूटन अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स कौन सा डायरेक्शन? एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा बच्चे लोग? तीन फोर्स लग रहा, आप गेस कीजिए, तीन न्यूटन। ये किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अलोंग वाई डायरेक्शन। और तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? फोर न्यूटन। और वो किस डायरेक्शन में? चूंकि माइनस के है तो अलोंग डाउनवर्ड लग रहा होगा। ये डाउनवर्ड के कारण क्या कारण हो गया? क्योंकि ये निगेटिव माइनस फोर है, हमने इसका सिर्फ वेक्टर का फोर न्यूटन माइनस साइन के साथ देंगे, माइनस फोर न्यूटन लग रहा है अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर, एक टर्म आएगा, व्हाट इज द इक्वल वेक्टर? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मतलब मैं इसे कैसे डिफाइन करूं? टू वेक्टर्स उस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। जैसे आप देखिए ध्यान से, मैंने एक वेक्टर ऐसे लिया, लेट अस कॉल दिस इज द ए बी वेक्टर, और दूसरा मैंने एक वेक्टर ऐसे लिया, दिस इज कॉल सी डी वेक्टर। They are parallel to each other,
और दोनों का मैग्नीट्यूड को भी चेक कीजिएगा, सेम हो गया। इस वेक्टर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स हो गया। आप देख सकते हैं दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, दे मे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। उन दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है। जैसे कि आप कभी कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास आता है 2 सेंटीमीटर ए टू बी, क्या इस वेक्टर को हम इधर इसके लाइन पर लिख सकते हैं इसे सी टू डी, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी किस डायरेक्शन में लग रहा था, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, वैक्टर ए बी मस्ट बी इक्वल टू वैक्टर सी डी। क्यों दोनों बराबर हो गया, क्योंकि देखिए बच्चे लोग इसकी मैग्नीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है और ये डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, और ये भी किधर जा रहा है, इस तरफ। ये दोनों वेक्टर आप देख सकते हैं दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो सकता है, जगह भी बदल सकता है, दोनों का अलग अलग जगह भी हो सकता है, लेकिन दोनों सही होगा। मतलब कभी हो गया, सपोज कीजिए एक आपका यहां पर कभी वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए एंड इट हैज द सेम इफेक्ट, जितना इसकी मैग्नीट्यूड है, अगर आप इसको भी ए बी से आप इसको कहीं भी ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड सी डी पर ले आते हैं, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, और सपोज कीजिए ये नॉर्थ में है और इसकी डायरेक्शन को भी आप नॉर्थ में ही रखते हैं, तो कभी गलती नहीं हुआ, आप इसको यहाँ भी ट्रांसफर करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक वेक्टर आ गया नल वेक्टर। नल का मतलब होता है जीरो वेक्टर, मतलब नल का मतलब ही क्या होता है, जीरो। तो इस नल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो क्या डायरेक्शन भी इसका कुछ नहीं होगा, नहीं, इसका डायरेक्शन होगा, बट इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड आर्बिट्री डायरेक्शन। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो गया, वेलोसिटी स्टेशनरी है तो रुका हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। और इसकी आर्बिट्रेरी है, किस दिशा में जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मूविंग का मतलब ही होता है एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो इस केस के लिए क्या हो गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। इस केस के लिए क्या हो गया था, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, लेकिन डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता किस ओर करेगा, लेकिन कोई ना कोई होगा। नेक्स्ट, अब मैं आपके पास आता हूं नेक्स्ट वेक्टर के लिए, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। Vectors along the same line, vectors along same line are said to be collinear, are said to be collinear. For example, आप इसे देखिए, मैं इसे देता हूं A vector. और एक और एग्जाम्पल ली बी वेक्टर, दे आर सेट टू बी द कोलिनियर, एक ही लाइन पर। क्या इसको ले सकते हैं क्या, आप देखिए जरा सी वेक्टर को कहते हैं कि इट इज अ कोलिनियर टू ए और बी, नहीं, एक लाइन में कहा, ये तो ये लाइन है और ये तो नीचे की लाइन में जा रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर कोलिनियर, इसको हम यहां पर कह सकते हैं। आप इसको ले लीजिए सी और एक ये ले लीजिए, थोड़ा सा इसको लाइन सीधा कर लीजिए, दूसरे पेन से बना डाल,
एक ये देखिए, ये लाइन दोनों का सेम अकड़ ले लें, इसको सी ले लें और इसको डी ले लें। तो यहां सी और डी क्या हो गए, सी एंड डी आर कोलिनियर। समझ में आ गया, कोलिनियर वेक्टर्स को दो पार्ट में, टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन होते हैं पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर टू टाइप्स के, पहला पैरेलल है, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। वह वेक्टर कोलिनियर भी हो और पैरेलल भी, जैसे ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स, आप हमने नाम दिया ए और बी का। इसकी खासियत क्या है, ये एक ही लाइन पर है, कोलिनियर्स भी है और सेम लाइन पर है। इसका मतलब क्या होता है, एंगल दोनों के बीच में कितना है, एंगल बिटवीन देम, गेस किए, अगर थीटा की वैल्यू लिया जाए तो ये जीरो डिग्री होता है पैरेलल। इसी तरह से इसे देखिए, लेट अस सपोज आई कॉल सी एंड मैं देता हूं इसे डी, दे आर अलोंग द सेम लाइन, लाइन को देखिए दोनों सेम है बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे एंटी पैरेलल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, उसका पैरेलल कोलिनियर वेक्टर था, ये क्या हो गया, एंटी कोलिनियर पैरेलल वेक्टर, एंटी कोलिनियर वेक्टर, नॉट पैरेलल, एंटी कोलिनियर वेक्टर। इसमें एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यस कर लिए, एक दूसरे के अपोजिट, सीधा मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं, मैं नेक्स्ट में बताता हूं आपको कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो यहां पर आ जाइए, कोप्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स, नाम से ही सफिशिएंट है, ऑल द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर, ऑल वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपका एक बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, टेबल का टॉप हो गया, और इस टेबल के टॉप पर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चाहे ये जो भी वेक्टर होते हैं, और इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑल लाइन ऑन टॉप ऑफ टेबल इज कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग एक प्लेन का, वो मतलब साफ, प्लेनर मतलब सतह, जो एक सतह पर वेक्टर लाई करता है उसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूं ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट यस, हमारा है ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, इफ ऑल द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑल वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इन सिंपल वेक्टर्स परपेंडिकुलर to each other is called orthogonal, right? For example, unit vectors I, J and K are orthogonal vectors. इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये हम लोग आई मान लीजिए, इसको जे मान लीजिए और इसको के मान लीजिए, दे आर ए सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वैक्टर।
नेक्स्ट, इसमें मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट में लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या हो गया? लोकलाइज्ड हैड स्पेसिफाइड स्टार्टिंग पॉइंट इसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगी। जैसे आप इसे ले लीजिए, ये देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया एंड जेड हो गया, तीन लीजिए। ये जो पॉइंट होकर स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन से मापते हैं, ऐसे ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इसे डी दे दिए। इस डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से हम लोग ले रहे हैं? ओरिजिन से ले रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ये सभी चीज किसका हो गया? स्पेसिफाइड हो गया। इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से ले रहे हैं या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? स्टार्टिंग और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा कौन सा ले सकते हैं? नॉन लोकलाइज्ड, जैसे उसमें लिखा हुआ नॉन लोकलाइज्ड। नो स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल उसी का हो जाएगा अपोजिट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी को जब आप लेते हैं तो इसका कहां से और कितना है इसको कोई स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब हम आपसे एक चीज लेते हैं, व्हाट इज द निगेटिव वेक्टर? नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा निगेटिव वेक्टर, इसके ऊपर फोकस कीजिए। व्हाट इज द निगेटिव वेक्टर? टू वेक्टर्स आर सेट टू बी निगेटिव टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी निगेटिव इफ दे आर अपोजिट इन सेंस। जैसे हमने अगर दिया वेलोसिटी इक्वल टू 2 meters per second और सपोज कीजिए इसकी डायरेक्शन को हमने ईस्ट दिया, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ -2 meters per second? बताइए तो क्या होगा? व्हाट इज, अगर हमने वेलोसिटी 2 meters per second ईस्ट दिया तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ -2 meters per second? तो दिस हैज वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 meters per second। और इसका क्या हो गया? ईस्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 meters per second। तो देख सकते हैं दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस, आर सेट टू बी द निगेटिव वेक्टर। जैसे अगर हमने दिया फोर्स इक्वल टू 10 newton आई, तो उसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? -10 newton आई तो रहेगा लेकिन उसमें माइनस लग जाएगा, माइनस साइन का मतलब हो गया अपोजिट इन सेंस। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे धीरे धीरे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या कहता है? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ इट मस्ट हैव द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज द ओरिजिन। पहले हम लेते हैं, let us suppose this is the x coordinate, obviously let us suppose this is the y coordinate, and for example let us consider this to be the z coordinate. to ye point kya ho gaya? 0 0 0 cartesian coordinate, cartesian coordinate. yahan par koi point le lijiye, let us consider this as a point, theek hai।
इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ले लीजिए, लेट अस सपोज एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपके पास वेक्टर हो गया आर वन, दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर का एक पॉइंट इनिशियल कहां पर है, जीरो जीरो जीरो, दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पॉइंट। और इसका दूसरा पॉइंट कहां पर है, एक्स वन वाई वन जेड वन, और आर वन क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। यहां पर आ जाइए, आर वन क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और उसकी कोऑर्डिनेट कितना लिया, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ये आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स वन आई डायरेक्शन में हो गया, दूसरा वाई वन किस डायरेक्शन में हो गया, जे डायरेक्शन में हो गया, और उसी का तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, जेड वन किस डायरेक्शन में हो गया, के डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड द पोजिशन वैक्टर, किसका है, ऑफ पॉइंट पी। लेट अस सपोज देयर इज अनदर वैक्टर, यहाँ पर आ जाइए क्यू, और इसकी कोऑर्डिनेट मैंने क्या दे दिया, एक्स टू कॉमा वाई टू एंड जेड टू पॉइंट। तो अब की बार इसका जो पोजिशन वैक्टर होगा यही ओरिजिन से लिया जाएगा और इसे मिला दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड आर टू। R1 और R2 क्या हो गया, यहाँ पर R2 को लीजिए, R2 का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विथ रेफरेंस, जब भी लेंगे तो कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से लेंगे, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मतलब हो गया इसकी कोऑर्डिनेट का हमारा क्या पोजीशन हो जाएगा, एक्स टू वाई प्लस वाई टू जे एंड जेड टू जे। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया दोनों पॉइंट का। नाउ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, पी से क्यू तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैं आर देता हूँ, आर इज कॉल्ड, यहाँ पर एक वर्ड आ गया आर, इस आर को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज आर, आर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा This must be equal to R2 minus R1. इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, R2 minus R1. मैं इसे प्रूफ करके भी बताऊंगा जब मैं इसका एक छोटा सा थ्योरम पढ़ाऊंगा, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब उस समय आपको समझा दूंगा, अभी आप इतना ही केवल समझिए। Now what is R2 minus R1? R2 की वैल्यू उसको लिखिए, दैट इज एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, तीनों डायरेक्शन, माइनस साइन है, माइनस पुट कीजिए, उसे पूरा लिखिए, एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के, इसमें से आई अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आर वन आर टू आर थ्री क्या, आर वन आर टू क्या, पोजिशन वैक्टर, और आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। उस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का वैक्टर फॉर्मेट में ये रिलेशन। नाउ अगर हम सिंपल पूछे व्हाट इज द मॉडुलस, इसकी मॉडुलस क्या होगा, वेक्टर तो हो गया, इसकी मॉडुलस क्या होगा, आप इसे निकालिएगा कैसे करके, ऐसे करके एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर मॉडुलस पर आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में ले लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ पोजिशन वैक्टर, मॉडुलस ऑफ पोजिशन वैक्टर। तो ये हमारे पास अच्छा खासा आइडिया हो गया, पोजिशन वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, एंड वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोजिशन वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन पोजिशन वैक्टर एंड रिलेशन। और ये क्या देता है, मॉडुलस का मतलब हो गया डिस्टेंस, मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। नेक्स्ट में आ जाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अब यहां पर रियल नंबर दो तरह का लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे और निगेटिव भी लेंगे। सबसे पहले कंसीडर a vector A. Now, if it is multiplied by positive real number
let us suppose z, then new vector, vector a dash new vector is equal to lambda times a vector. Its magnitude changes, but direction remains same. Its magnitude changes, but direction remains same. If a vector is multiplied by negative real number, its magnitude and direction both change. Its magnitude and direction both changes. For example, vector A is multiplied by minus delta say. What is the new vector? A dash new vector. This must be equal to minus lambda into A vector. Now, what is the magnitude? Is equal to lambda A. What is the direction? Is equal to negative A. This is opposite to A. जो आपका A था उसकी अपोजिट, मतलब किसी भी अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, कोई फोर्स है लेट अस सपोज 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय 2, क्या असर होगा इसका? यहां पर 2 का मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हम दिए 2, यहां पर दिए आपका फोर्स क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू 2 × 100 न्यूटन, दैट इज 200 न्यूटन. चलिए सेम चीज हो गया 200 न्यूटन. अब अगर हम माइनस 2 से दें, पहला एग्जांपल दिया, अब देते हैं फोर्स 100 न्यूटन इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस 2 × 100, दैट इज माइनस 200. दिस इज अपोजिट टू प्लस 200 न्यूटन. दैट इज द मेन पॉइंट, कि अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन उसका वही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज करता है, लेकिन अगर किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट, को इनिशियल वैक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल पहला आते हैं वो को इनिशियल. इफ ऑल वेक्टर्स हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम इनिशियल पोजिशन और पॉइंट आर को इनिशियल वेक्टर, जैसे आप ले लीजिए एक वेक्टर, देखिए यहां है दूसरा वेक्टर यहां ले लिया और तीसरा वेक्टर यहां, तीन डिफरेंट वेक्टर्स है लेकिन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दे हैव द सेम स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन है. इफ ऑल वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पोजीशन पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर. दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, going away from initial point. ये जितने भी ये वेक्टर होंगे कोई इनिशियल का, एक जगह से स्टार्ट करते हुए अपने अपनी जगह से दूर की ओर जाएंगे. और दूसरा जाइए हमारे पास को टर्मिनस वेक्टर, दे आर टर्मिनेटिंग एट ए कॉमन पॉइंट. ऑल वेक्टर्स टर्मिनेटिंग एट सेम पॉइंट.
जैसे आप देखिए ध्यान से, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर एंड तीसरा वेक्टर, आपने क्या देखा, ए बी एंड सी यहां पर क्या है, कोटर्मिनस, कोटर्मिनस। यहां पर ये तीनों वेक्टर क्या थे, ए बी एंड सी को इनिशियल वेक्टर्स। एक आपके पास वर्ड आ सकता है जिसको हम लोग कहेंगे कोप्लेनर एंड कोएक्सियल, कोप्लेनर एंड कोएक्सियल। तो आप समझ गए क्या होगा, एक ही प्लेन पर रहे हैं और एक ही लाइन पर भी रहे। इसको जरा से देखिए तो क्या होगा, कोप्लेनर एंड कोएक्सियल दोनों चीज होना चाहिए। जैसे आप इसे देख लीजिए, ये कोई टेबल है, ठीक है ना, आप देखिए ये लाइन है और ये लाइन, ये वेक्टर ए ले लीजिए और वेक्टर को बी ले लीजिए, आप इसके बारे में क्या बोलिएगा, दे आर कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन पर है और एक ही लाइन पर भी है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी लाइन ऑन सेम प्लेन बट एंड सेम लाइन। एक आप ले सकते हैं वो प्लेनर है लेकिन नॉट कोएक्सियल, जैसे इसे देखिए, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है, वेक्टर ए एंड बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोप्लेनर बट नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, यहां पर कोलिनियर एक्सियल के बाद कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर एंड कोलिनियर डबल है कोलिनियर। यहां पर क्या हो गया, कोप्लेनर बट नॉन कोलिनियर, एक प्लेन पर है लेकिन बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। इस तरह से हम लोग ये कहें कि मैंने आपको आप बेसिक केवल डिस्कस कर पाया, बहुत बेसिक, जिसमें हम लोग वेरी फंडामेंटल्स ऑफ ए वेक्टर पढ़ते हैं। कल का जो क्लास होगा वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मैं उसमें क्या डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइंडिंग द मेथड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज में मैं क्या पढ़ूंगा, हमारे पास आएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तीसरा स्टेज में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पर दो तरह के वेक्टर्स के प्रोडक्ट पढ़ाएंगे हम, पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट्स क्या है एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो ये चार चीज का हमारा कल के वीडियोस में हम कवर करते हैं, तब तक के लिए आप इसे बढ़िया से देखिए, जब भी आप पढ़ाई करिए तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप हर समय वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। इसके लिए क्या होता है, आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाइए, कुछ अपने हिसाब से एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस कीजिए, जब भी आप किसी बुक से पढ़ते हैं कुछ अच्छे लाइन्स आपको मिलते हैं उस पर एडिशंस कीजिए, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग। आपका क्या होना चाहिए कि हम जीत भी जाएं और आराम से जीते, कॉन्फिडेंस के साथ जीते। मेरा लक्ष्य क्या है कि आपको फिजिक्स में एक बेहतर स्टूडेंट बना के रखूंगा, जहां पर आपको हमेशा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहेगा, कभी ये फीलिंग नहीं रहेगा कि हमने बाहर जाके नहीं पढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।